श्री श्री रामलीला कमेटी बड़घाट के तत्वावधान में 5 अक्टूबर बुधवार को बड़घाट के रामलीला मैदान में कलाकारों द्वारा रावण वध की लीला दिखाया गया। सुबह से ही हो रही भारी बारिश के बीच किसी तरह से रावण के पुतले का दहन किया गया। आपको बता दें कि देश भर में दशहरे के त्योहार पर रावण का पुतला दहन करने की सदियों पुरानी परंपरा है। इस दिन भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। 9 दिन के नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है और दशहरे से 21वें दिन पर दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। रावण दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक कहा गया है। सोने की लंका का सम्राट रावण अस्त्र शस्त्रों का पारंगत तपस्वी और प्राकंड विद्वान तथा राजधर्म का ज्ञाता था। कहा जाता है कि रावण ने ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांग लिया था कि उसे मारना मुश्किल था। चारों वेदों और 6 उपनिषदों का ज्ञान रखने वाले रावण पर जब राम ने विजय प्राप्त की तो इसे विजयादशमी कहा जाने लगा, जिसे विजय पर्व के रूप में मनाया जाता है। रावण का सर्वनाश उसके क्रोध और अहंकार के कारण हुआ। राम ने जब रावण का वध किया तो इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर देखा गया। इसी वजह से बुराई रूपी रावण के पुतले के दहन की परंपरा हर साल निभाई जाती है। इस संबंध में श्री श्री रामलीला कमेटी बड़घाट के महामंत्री अनुप अग्निहोत्री ने बताया कि यह रामलीला 160 साल पुराना है। बहुत ही धूमधाम से रामलीला मनाया जाता है। दशहरे के दिन यहाँ पर रावण वध का लीला दिखाई जाती है। उन्होंने कहा कि मैदान में प्रभु श्री राम और रावण के बीच भयानक युद्ध होता है, जिसमें प्रभु श्री राम रावण का वध कर देते हैं। यह दृश्य देखकर मैदान में हजारों भक्तों की जय श्री राम का उद्घोष करते हैं, जिसके बाद प्रभु श्री राम सीता लक्ष्मण एवं हनुमान रथ पर सवार होकर राघव मिलन शक्ति बसंतपुर पहुंचते हैं और शक्ति के रूप में दुर्गाबाड़ी समिति की प्रतिमा का मधुर मिलन चौक पर मिलन होता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्री श्री रामलीला कमेटी बड़घाट के महामंत्री अनुप अग्निहोत्री ने कहा, thank you.
की उपाधि होती थी महामंत्री रामलीला कमेटी वर्ल्ड घाट। आज हमारे यहाँ रामलीला वर्ल्ड घाट का 160वां वर्ष है। ये रामलीला मंचन को होते हुए आज हमारे यहाँ रावण वध होता है और आज पहले हमारे यहाँ असुरी शक्ति रावण का अंत किया जाता है, राम रावण युद्ध होता है, फिर रावण का प्रतीकात्मक हम लोग पुतला बनाते हैं जिसका हम लोग दहन करते हैं, उसके बाद भगवान की आरती होती है, फिर भगवान राजसी वेश में यहाँ से निकलती है, उनकी सवारी निकलती है, उसके बाद भगवान बसंतपुर मिलन चौक पे जाते हैं जहाँ पे माता जानकी का मिलन होता है, वो उनकी आरती करते हैं, इसी को हम लोग राघव और शक्ति का मिलन कहते हैं जिसका नाम हम लोगों ने दिया हुआ है राघव और शक्ति मिलन, राघव शक्ति। आज के तारीख में अगर मौसम सही रहा तो कम से कम 10,000 से ऊपर की भीड़ होती है। अब मौसम सुबह से रात से पानी का है इसलिए भीड़ का अनुमान बताना भी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, मगर मेरा रावण दहन होगा, मेरा पूरी रामलीला का जैसे कार्यक्रम होता वो चलेगा, मैं अपने समय के 10-5 मिनट आगे पीछे अपनी रामलीला का सारा कार्यक्रम संपन्न कराऊंगा।